शहीदों को सलाम दिवस के रूप में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत झंडुता चुनाव क्षेत्र के कलोल विश्रामगृह में पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर बीरूराम किशोर ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जिन सैनिकों का बलिदान अपने बॉर्डर की रक्षा करते हुए हुआ है उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता झंडुता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश चंदेल के नेतृत्व में संपन्न हुई। किशोर ने सरकार से मांग की है कि जो चीन ने हमारी जमीन हथियाई है उसे वापस लिया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसी पंचायत के तहत परमवीर विजेता संजय कुमार द्वारा जो कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ अपने देश की सेवा की है, ये पंचायत शहीदों से भरी पड़ी है। इसे पूर्व शहीद जगदीश चंदेल को पुष्प अर्पित कर याद किया गया तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर याद किया। इस मौके पर शहीद जगदीश चंदेल की पत्नी सुनीता चंदेल बेटी शिल्पा चंदेल ने पुष्प अर्पित कर शहीदों के सलाम दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। भाई है और हमारे आदमी कोई उन्होंने कोई नहीं मारे हैं, उन्होंने हमारे नहीं मारे हैं। ये इतने लोग जो घायल हो गए जिनकी बॉडीज भी हमारे यहाँ पर पहुँच गई। अब एक आम आदमी के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि अगर सरकार ये बोल रही है कि कोई झड़प नहीं हुई, हमने कब्जा नहीं किया, तो ये हमारे 20 आदमी कहाँ कैसे मरे। अब मैं इस कंट्रोवर्सी की तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। पार्टी का ये आदेश है कि जो लोग यहाँ पे हमारे शहीद हुए हैं उनकी सम्मान में आज 26 जनवरी का दिन जो है उनको सलाम के रूप में हम मनाएंगे। 26 जून का ये जो दिन है वो सलाम के रूप में, शहीदों को सलाम के रूप में आज मनाना है। और इसी संदर्भ में आप लोगों को यहाँ सूचना दी थी, आप लोग सब यहाँ पे पधारे और हमारे शहीदों को सलाम करने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए आप यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये हमारे इन जवानों का बलिदान ही है जिसकी वजह से हम सब लोग जो हैं सुरक्षित हैं और इस खुली हवा में जी रहे हैं। हमारा अपना सारा परिवार सुख शांति से यहाँ पे रह रहा है, ये इन लोगों की शहादत की वजह से है। हम चाहते हैं हर आदमी का अपना अपना जिम्मेवारी है, जो लोग फौज में गए हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं वो सही होने चाहिए, गवर्नमेंट से डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अभी तरह तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बीच में आ रही है। हमें जो सूचना है वो ये बोल रही है